Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. I am starting with a new playlist named Structure Design of a 4 Bedroom Hall Kitchen House. यानी कि इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि एक 4 बेडरूम हॉल किचन वाले घर का स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा होता है। तो यहाँ पर मैं स्टेडप्रो V8i सॉफ्टवेयर जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले है उसे यूज करूंगा हमारे घर का एनालिसिस और डिजाइन करने के लिए। तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑटोकैड का 2D प्लान एक तैयार होना चाहिए। तो अगर आप ऑटोकैड 2D और 3D डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल में ऑटोकैड नाम का प्लेलिस्ट आप ओपन करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक 4BHK हाउस ऑटोकैड में 2D डिजाइन करके रखा है जिसका ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और टेरेस प्लान अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले है। तो आइए हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं जिसमें वरंडा, पार्किंग, लिविंग एरिया, फोयर, टेम्पल जहाँ पे डबल हाइटेड स्लैब होगा, देन वन पेरेंट्स बेडरूम, वन अटैच टॉयलेट, किचन एंड अ स्टोर रूम एंड पीछे वॉशिंग एरिया भी रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तो यहाँ से स्टेयर्स है जहाँ से हम ऊपर आएंगे, यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये हो गया लॉन्च, फिर ये चिल्ड्रंस बेड, गेस्ट बेड, मास्टर बेड, टॉयलेट और रूम्स में अटैच टॉयलेट भी है। और फिर ये हो गया हमारा टेरेस का प्लान जहाँ से हम ये स्टेयर्स से ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे हमने एक स्टोरेज रखा है, बाकी दोनों तरफ हम टेरेस पे जा सकते हैं। सो दिस प्लान इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट एंड नाउ विल बी डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। यानी कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा ऑटोकैड 2D प्लान रेडी है। अब हम इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करेंगे और हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कॉलम और बीम इस प्लान में प्लेस करना। यानी कि कॉलम और बीम इस प्लान में कहाँ पे हम प्लेस करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टू लर्न द कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन जस्ट स्टे लिंक टू दिस प्लेलिस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।